इंडिया न्यूज में विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। भारतीय किसान ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे की अध्यक्षता में भारतीय किसान ट्रैक्टर संघ के सदस्यों की बैठक का आयोजन बिरसा बस स्टैंड के सभागृह में आयोजित की गई। बैठक में 20 सितंबर को अधिक से अधिक संख्या में बहर पहुंचने का लिया गया संकल्प। बैठक में सर्वसम्पत्ति से करौंदा सरपंच महेश मेरावी को उपाध्यक्ष, गायत्री नाग वासुदेव को सचिव, ममरा शरणागत एवं शिवशंकर पांडे को मीडिया प्रभारी तथा तरुण वर्मा को प्रवक्ता बनाया गया, जिसकी घोषणा भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष सूरज ब्रह्मे ने की। 20 सितंबर की रैली में आने वाले ट्रैक्टर संघ के सदस्यों, किसान भाइयों तथा बेरोजगार युवाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया। आदिवासी नेता बैराग सिंह टेकाम, तरुण वर्मा, तौफिक खान, तनवीर अहमद, देवेंद्र असाटी, सुरसेन चौधरी, नासिर अली, सुरेश बंजार, महेश धुर्वे, धर्मेंद्र शरणागत, भोजेश पटेल, शमीम खान, गुलाब सिंह मरकाम, प्रकाश साहू, अजीम खान, नाफिश खान, सुखराजी तिलगाम आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। बालाघाट रामपायली से ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। किसान ट्रैक्टर संघ के हमारे सम्मानी साथीगण, हमारे बीच में उपस्थित हमारे आदिवासी नेता आदरणीय बैराग सिंह तेगाम जी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज की बैठक 20 सितंबर को जो होने जा रहा है, जंगी आंदोलन विशाल रैली, इसको कैसे सफल बनाएं, इस पर हम लोग विचार करने यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मेरा मानना है कि जो जोश और खरोश में आप लोगों में देख रहा हूँ, तो उम्मीद है कि हम 20 तारीख को सफल होंगे। और मुझे विश्वास है कि मैयर परसवाड़ा, बिरसा, कुटुआ और गढ़ी से कम से कम 1000 से 1500 ट्रैक्टर आएंगे, ये निश्चित है। पर एक ऐतिहासिक रैली हमारी होगी और इसमें हम सफल होंगे। और हमारे, ये नहीं समझिएगा, हमारा ट्रैक्टर यूनियन का एक एक साथी हमारे परिवार का सदस्य है, और जहाँ इनका पसीना बहेगा, सूरज ग्रह में अपना खून बहेगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं, मैं आपको बता दूँ। लेकिन एक संगठन हम भी चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी विचार मंच का, जो आज पूरे देश में है और देश का ये राष्ट्र उपाध्यक्ष, और देश का ऐसा कोई प्रांत नहीं होगा जहां पे आपको, चाहे महाराष्ट्र में कोई परेशानी हो जाए मुझे बताओ, आपको उत्तर प्रदेश में कोई परेशानी हो जाए मुझे बता दो, आपको छत्तीसगढ़ में कोई परेशानी हो जाए मुझे बता दो, आपको पंजाब में हो जाए, आपको हरियाणा में हो जाए, आपको उत्तराखंड में हो जाए, इसी तरह एक फोन जाएगा वहां आपके लिए 100 लोग खड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा हमारा संगठन है। तो हम उस संगठन को भी हमने संचालित किया है, और उस संगठन में ऐसे ऐसे लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं। लेकिन जब ट्रैक्टर यूनियन के लोग मेरे पास आए, जब मैंने उनको देखा और उनकी परेशानी को समझा, तो मुझे लगा कि यार मैं तो पूरे देश भर घूम घूम कर और दूसरों को सहयोग कर रहा हूँ, दूसरों को सपोर्ट कर रहा हूँ, कि मेरे अपने भाई लोग यहाँ परेशान हैं। तो मुझे लगा कि क्यों नहीं उनकी भी कुछ मदद की जाए, और मैंने उनसे कहा कि चलिए आप एक बैठक लीजिए, और साथियों ने माना भी इस बात को, और एक बैठक लिया गोंडवाना भवन भैया ने। और उस में वहाँ पे बैठक लेने के बाद एक कार्यकारिणी का गठन हुआ, उस कार्यकारिणी का नाम हमने, उस संगठन का नाम रखा है भारतीय किसान ट्रैक्टर यूनियन ट्रैक्टर संघ। उसका हमने पंजीयन भी कराने के लिए माननीय रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ पहुँचा दिए, और वो रजिस्ट्रेशन मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख के पहले रजिस्ट्रेशन होकर हमारे पास आ जाएगा। और ये कोई संस्था हमारा कोई फर्जी संगठन नहीं कहलाएगा, ये रजिस्टर्ड संस्था है। रजिस्टर्ड संस्था के माध्यम से, रजिस्टर्ड संस्था के नेतृत्व में, रजिस्टर्ड संस्था के बैनर तले हम 20 तारीख को जंगी आंदोलन करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है।